वन एंड हाफ के जी मैंने लिया है गोश्त। अभी मैं इसको अच्छी तरह से पहले 5 मिनट तक भूनती हूँ, फिर इसमें मसाले ऐड करती हूँ। डालूंगी इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ब्लैक चिली पाउडर। मैं नमक में ज़्यादा इसलिए नहीं डाली क्योंकि इसके बाद मैंने इसमें कौरमा मसाला भी डाला। मैं डालूंगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, पेस्ट लगा के उसको फ्रोजन किया हुआ है फ्यूज की तरह है, तो 2 टेबल स्पून में डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं इसमें डालूंगी 1 टमाटर और पानी। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टमाटर, टमाटर में एक छिलका मैंने उतार लिया, फ्रोजन था मैंने टमाटर को, मैंने इसका छिलका उतार लिया आराम से। मैं इसमें 2 कप पानी डालती हूँ और मैं इसको प्रेशर लगा देती हूँ 15 मिनट के लिए तकरीबन। ज़्यादा पानी नहीं हमने डालना, 2 कप डालना है। अगर आपने प्रेशर के बगैर बनाना है तो फिर तो पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि 40 मिनट लेता है ये अच्छी तरह से टेंडर होने में। मैं इसको 15 मिनट के लिए लगाऊंगी प्रेशर और उसके बाद फिर मैं बता दूँगी। देखिए मसाला से हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, पानी भी खुश हो गया है, प्याज भी गल चुका है और टमाटर भी। अब मैं डालूँगी इसमें 1 टेबल स्पून गरम मसाला, आप चाहें तो साबुत गरम मसाला भी डाल सकते हैं, तो मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं पसंद नहीं करते। सावा गरम मसाला डाला और उसे मिक्स करूँगी और उसके बाद डालूंगी मैं इसमें कौरमा मसाला। अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1/2 पैकेट कौरमा मसाला, नमक मिर्च मैंने कम डाली थी। अब इसको अच्छी तरह से मैं भूनती हूँ, साथ में 1 कप दही भी डाल देती हूँ ताकि हमारा गोश्त जो है ना अच्छी तरह से भून जाए। अब मैं डालूँगी इसमें अभी तक थोड़ी ज़्यादा ही हो रही है दही डालिए, तो मैं अच्छी तरह से भूनती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा कलर आ गया इसका, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। मैं इसमें 2 कप पानी डालूंगी और 15 मिनट के लिए इसको मैं हल्की आंच पर रखूंगी ताकि हमारा और अच्छी तरह से कौरमा रेडी हो जाए, ताकि जो 2 कप पानी डालूंगी ना वो 1 कप रह जाए, क्योंकि कौरमे में जो है ना बहुत ज़्यादा पानी अच्छा नहीं लगता। तो इसमें मैं 2 कप पानी डाल के फिर रखती हूँ, फिर फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि इसकी ग्रेवी कैसी होनी चाहिए। माशाल्लाह से हमारा देगी कौरमा हो गया बिल्कुल रेडी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े का बना है। लास्ट पे मैंने भरी कटा हुआ अदरक, हरी मिर्ची और हरा धनिया लाइट सा डाला था। और ग्रेवी देखें बिल्कुल नॉर्मल सी रखी है मैंने, क्योंकि कौरमे में बिल्कुल अच्छी ग्रेवी ज़्यादा नहीं लगती, बिल्कुल देगी कौरमे की लुक आ रही है माशाल्लाह से, बहुत ही मज़े का बना है। आपने भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।